आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूएस एम्बेसी के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगी कि रीसेंट अपडेट 2022 की क्या चल रही है और यूएस इंटरव्यूज वेदर दे आर बीइंग कंडक्टेड और नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हिरा है एंड आई एम फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स, आई एम मैनेजर यूरोप ऑफिस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूएस एम्बेसी के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगी कि रीसेंट अपडेट 2022 की क्या चल रही है और यूएस इंटरव्यूज वेदर दे आर बीइंग कंडक्टेड और नॉट, और किस किस कंट्री में जो मेन हमारी कंट्रीज हैं जिससे लाइक जहाँ जहाँ हमारी वीडियोज़ देखी जाती है वहाँ पर क्या अपडेट है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूएस इंटरव्यू की कि अगर आप यूएस के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तमाम वो एप्लीकेंट्स स्पेशली B1 B2 जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं और वो कुछ प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ और हर तरह की जो कैटेगरीज़ हैं, अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आप देखें और उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपनी जो प्लानिंग है वो करें। देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ रीज़न्स के यूएस इंटरव्यूज़ क्यों नहीं हो रहे वीज़ा इंटरव्यूज़, बिकॉज जो सबसे पहले तो आप लोग को पता है कोविड थिंग थी, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर और ये सब चीज़ें हो रही हैं और दिन ब दिन जो है आपको पता है कि सख्तियाँ होती जा रही हैं। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स से तो मई 2022 की मैं आप लोगों से बात करूँगी तो ऑलमोस्ट 1,25,000 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ड्रॉप बॉक्स की फैसिलिटी जो है ना यूटिलाइज़ की। इसके अलावा जो मई से अप्रैल तक का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 1% डिक्लाइन भी आया है, रिफ्यूज़ल भी रिसीव हुए हैं लोगों को। तो आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह मतलब सक्सेसफुल बना सकते हैं, कुछ ये तो आप तब बनाएंगे ना जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो आप लोग अगर कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें सबसे पहले ये चीज़ कि क्या इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो भी रहे हैं या नहीं। अगर मैं आप लोगों के साथ 2022 की स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँ ना तो 4,26,126 इंटरव्यूज़ ऐसे थे जो स्टिल पेंडिंग हैं। तो आप सोचें कि जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो फिर किस कैटेगरी में लाइक करेंगे। इसके अलावा जो USCIS है उसने जो ट्रैवलिंग जो कर रहे होते हैं लोग, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज डिफ़ाइन की एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट के ये जितना भी स्पीड अप हो सके प्रोसेस। और इसके अलावा मैं आप लोगों से अब कंट्री वाइज अगर बात करूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सबसे जो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दैट इज़ जो लाहौर कौंसुलेट है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट हो रहे, वो बिल्कुल शट कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आप उम्मीद ना रखें। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू यूएस तो आप या तो कराची कौंसुलेट से रابطہ करें या फिर इस्लामाबाद कौंसुलेट से। ठीक है, इसके अलावा हर तरह के इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ को वो लोग डील कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड जो डिले है वो है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया की तो मुंबई कौंसुलेट जो है वहाँ पे भी ये सारा प्रोसेस चल रहा है, इमिग्रेंट्स और जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं वो चल रहे हैं, ओपन हो गए हैं यूएस इंटरव्यूज़। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश में ज़्यादा ये इस वक्त इतना प्रोसेस फास्ट नहीं हो सका, बस कुछ इंटरव्यूज़ लाइक थोड़ा थोड़ा परसेंटेज उन्होंने रिज्यूम करना शुरू किया है तो बट फुली ऑपरेट नहीं हो रहा अभी तक वहाँ पर जो इंटरव्यूज़ को लेकर है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड डिले है स्पेशली इन द टूरिस्ट वीज़ा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चाइना की तो चाइना में तो उन्होंने इमिग्रेंट्स को प्लस उनके जो फियांसे वीज़ा है वो सब दोनों चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, रिज्यूम भी किया है, बट शंघाई में अभी तक भी उनकी जो एम्बेसी है कौंसुलेट है वो शट डाउन है। ये मैं शंघाई की बात कर रही हूँ, बाकी जो है दैट इज़ जस्ट ऑपरेटिंग बाय इट्स ओन वे। इसके अलावा आप लोग ये देखें कि मंथ टू मंथ इसके अलावा डे टू डे जो है ना पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, तो सबसे बेस्ट वे जो होता है ना देखने का कि आपके वेदर यूएस एम्बेसी में कंडक्ट हो रहे हैं इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे या क्या चांसेस हैं, अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि एम्बेसी में 4,25,126 का फिगर है लाइक अराउंड दिस, तो अगर इतना बड़ा फिगर पेंडिंग इंटरव्यूज़ का है तो आपको क्या लगता है कि आपका चांस कब आएगा। तो ये देखें ना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अगर आपको जब भी अगर कोई अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लेनी है, आप चाहे जिस भी कंट्री में हैं तो मेक श्योर करें इस चीज़ को कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, जो भी एम्बेसी है या कौंसुलेट है उस पर आप देखें, आपको हमेशा अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट
travel.state.government पे, आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हैं, चाहे एजुकेशन रिलेटेड है या वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड है, या आप कोई अच्छी काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमें दिए गए नंबर्स पे रابطہ करें। और मेरा अपना पर्सनल नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो अगर आप लोग को किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग US इंटरव्यूज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।